आज हम एक नई रेसिपी लाए हैं आपके लिए। आज हम मीठा बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं केक। बहुत ही आसान सा केक है। नो एग नो ओवन, मतलब अंडे वाला भी नहीं है और ना ही इसको हम ओवन में बनाएंगे, इसको हम चूल्हे में बनाएंगे। और आपको बहुत ही आसान सा केक हम बनाना सिखाएंगे और आपको बहुत इजी हम सिखाएंगे। तो चले हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल लेंगे ऑयल छन्नी और उसमें हम डालेंगे 1.25 कप मैदा। अब हम एक बोल लेंगे और एक छन्नी लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा और उसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कप, हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, छान लेंगे। जो गुटलियां थी इसमें उसको हमने स्पैचुला से पाउडर कर लिया है और उसको अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 कप आइसिंग शुगर और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने चूल्हे पे पतीला रख लिया है, उसमें नमक डाल के देख लीजिए और स्टैंड रख लिया इसको प्री हीट करने के लिए। अब इसको पहले ही रख लीजिएगा ताकि जल्दी से गर्म हो और आपका केक मज़े का बने। हम एक जग लेंगे, उसमें हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। इसमें 1 कप ठंडा पानी डाल दिया है और इसमें 1/2 कप हम डालेंगे ऑयल, आप कोई भी यूज कर सकते हैं घर में रेगुलर जो होता है। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे विनेगर, आप वाइट विनेगर भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। मिक्सचर बनाया है पानी वाला, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से आप डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं जिससे हम कर रहे हैं। देख लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। ये हमारा मिक्सचर जो है वो हो गया बिल्कुल रेडी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाएं घर पे, बहुत पसंद करेंगे। खासतौर पर बच्चों को तो चॉकलेट केक बहुत पसंद होता है, तो आप इसे ज़रूर बनाएगा। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए आने वाले लोग हैं। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हम केक, हमने बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास बिलफर्ज बटर पेपर नहीं मौजूद है घर में तो आप इसको बगैर बटर पेपर के, मतलब जो भी जिस चीज़ में भी आप बनाएंगे उसको अच्छी तरह से आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है, या आप कोई दूसरा मतलब कॉपी का पेज भी ले सकते हैं आप उसकी जगह। अब हम जो हमने अपनी मिक्सचर बनाया वो हम डालते हैं इसके अंदर। मिक्सचर को डाल देंगे अंदर अच्छी तरह से, आपने इसको डाल देना अंदर अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। पतीला जो हो गया गरम और हमने इसमें केक रख दिया है, देख लीजिए। और इसको हमने मीडियम आंच पे कर दिया है और इसको हम रख देंगे 30 मिनट के लिए। अगर आप देखते हैं थोड़ी देर बाद कि आपका केक नहीं बना तो आप इसको और टाइम भी लगा सकते हैं। केक हमने रख दिया है, अब इसको हम पकने देते हैं और आपसे हम 30 मिनट बाद मिलेंगे। हमारा केक तैयार हो रहा है, उतनी देर हम उसकी क्रीम तैयार कर लेते हैं। जो हमने ऊपर उसकी क्रीम हमने लगानी है वो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 1 कप शुगर। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें वनीला एसेंस, अब हमने इसमें 3 टेबलस्पून डाल दिया है बटर और इसको हम बीटर मशीन से कर लेंगे। बीटर मशीन से इसको हम बीट कर लेंगे, ये देख लीजिए बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको बीट कर लेना है। देख लीजिए बिल्कुल इस तरह से आपने अच्छी तरह इसको बीट करते जाना है।
इस दौरान हम वन जब हम बीट कर रहे होंगे तो 1 टेबलस्पून हम डालेंगे मिल्क। हमने दूध डाला था उसको हम बीट कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह से इसको बीट करना है, बिल्कुल कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना जो आपकी जो फर्स्ट क्रीम हमने बनानी है ये तो ये अच्छी नहीं बनेगी। ये देख लीजिए बिल्कुल बीट हो गई है क्रीम। अब हम केक देखते हैं अपना कि हमारा केक जो है वो रेडी हो गया या नहीं। हमने केक का ढक्कन खोल लिया है और अब हम देखते हैं कि हमारा केक बन गया या नहीं। बिल्कुल देख लीजिए, टूथपिक हमने डाल के देखी है, ये देख लीजिए सॉफ्ट और बिल्कुल, अगर टूथपिक के साथ आप मतलब कोई उसका मिक्सचर नहीं लगता इसका मतलब हमारा केक जो है वो रेडी हो गया। देख लीजिए हमारा केक जो है वो रेडी हो गया और इसको हम निकाल लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम ठंडा होने देंगे और फिर हम इसकी डेकोरेशन करते हैं। केक जो है वो ठंडा हो गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। केक हमने निकाल लिया है, ठंडा हो गया है, अब हम इसका बटर पेपर उतार देते हैं। देख लीजिए कितना सॉफ्ट बना है केक। अब हम इसको ले लीजिए, हमारी रेसिपी हो गया बिल्कुल रेडी, मतलब हमारा केक हो गया बिल्कुल रेडी। हमने इसे फ्रीजर में रखा था कुछ देर के लिए ताकि जो हमारा केक है वो ठंडा हो जाए, मतलब अच्छा हो जाए। अब हम इसको काट के मतलब इसका टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। मुझे तो अभी से ही जो है ना वो कहते हैं ना मुँह में पानी आ रहा है कि कैसा होगा। चले हम इसको काट के दिखाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको मैं बता रही हूँ, आप इसको हैप्पी बर्थडे पे इस तरह का केक बनाएं और सबको बहुत पसंद आएगा। पीस लिए, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम ये देख लीजिए बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल ये देख लीजिए इसकी जो इसका स्पंज है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, इसके ये देख लीजिए नरम है। आप भी इसे, अब हम इसे खा के बताते हैं। बहुत मज़े का बना है, आप इसे ज़रूर घर पे बनाएं और हमें ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है। बहुत ही मज़े का बना है केक, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि हमें फीडबैक अपना ज़रूर भेजिएगा कैसे बना है। अगली बार के लिए अल्लाह हाफिज़, दोबारा आएंगे नई रेसिपीज़ के साथ और आपको मज़े मज़े की और रेसिपीज़ सिखाएंगे हम। खुदा हाफिज़।